दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का मौसम खबर में। दोस्तों दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने इसकी जानकारी दी है। IMD द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। हालांकि आने वाले दिनों में लू चलने की कोई संभावनाएं नहीं है। साथ ही राजधानी में बारिश के आसार नहीं है और आसमान साफ रहेगा। गौरतल है कि दिल्ली में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले दिनों में लू चलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत के करीब पहुंचेगा, लेकिन इसका दिल्ली के मौसम पर कोई असर नहीं होगा। लिहाजा आने वाले सप्ताह में दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और बारिश के कोई भी आसार नहीं रहेंगे। आप सभी को बता दें कि गौरतलब है कि IMD के आंकड़ों के अनुसार 2023 में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 14 अप्रैल को 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 2022 में यह 43.5 डिग्री सेल्सियस था। 2021 में उच्चतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस और 2020 में 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। आंकड़ों के अनुसार इस गर्म के मौसम में अब तक का उच्चतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो 20 अप्रैल को दर्ज किया गया था। मालूम हो कि सोमवार को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो साल के इस समय के लिए सामान्य है। वहीं अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर रहने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दिल्ली में बीते दिनों बूंदा बूंदी के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन सोमवार को यहां ज्यादातर इलाकों में तेज धूप निकली, जिससे गर्मी का एहसास फिर से बढ़ने लगा है। हालांकि अभी लू से राहत बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक राजधानी में लू चलने की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही। आज के मौसम की बात करें तो मंगलवार को दिल्ली में आसमान साफ रहने वाला है, साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सोमवार को यहां पर सापेक्षिक आर्द्रता 27 से 54% के बीच रही। आज दिल्ली में मौसम साफ रहने वाला है। इसके साथ ही आज 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मंगलवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का आसार है। आप सभी को बता दें कि दिल्ली का पारा जल्द ही 40 डिग्री तक पहुंचने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान 40 डिग्री पर पहुँच जाएगा। IMD वैज्ञानिक ने बताया कि दिल्ली में आने वाले 7 दिनों तक लू चलने के आसार नहीं है। दिल्ली में आने वाले सप्ताह में बारिश की भी कोई संभावना नहीं है। दरअसल उत्तर पश्चिमी भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिसका दिल्ली पर प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में सुबह से तेज धूप निकल रही है, जिसकी वजह से तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही तेज हवाओं से तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस सीजन में पहली बार इस सप्ताह के आखिरी दिनों के आसपास दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते तक आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी, हालांकि इस दौरान तेज हवाएं चलने का आसार है। जी हां दोस्तों, तो और इसकी जानकारी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिएगा।